प्रिय मित्रों, सुबह की चाय पीते पीते मेरी नजर बालकनी में रखे एलपीजी सिलेंडर पर पड़ी। उसका रंग पूरी तरह गायब है और साथ ही जगह जगह से उसकी बाहरी सतह टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। बस सिर्फ एक ही चीज नई सी दिखाई देती है, वो है उस पर लगी सरकारी सील। पर जब मैंने उसके महत्व के बारे में सोचा तो ये ख्याल आया कि यदि एक दिन के लिए भी हमारे घर में गैस खत्म हो जाए तो व्याकुलता बढ़ जाती है, उथल पुथल सी मच जाती है। फिलिंग स्टेशन से लेकर हमारे दरवाजे तक पहुंचने में न जाने कितनी जगह इसे फेंका गया होगा, कितनी बार अन्य सिलेंडर से टकराया होगा। बारिश धूप सब का सामना कर अपने भीतरी अति उपयोगी तत्व को सुरक्षित हमारी रसोई तक पहुंचाता है। ये सबक आज हमारे लिए भी बहुत जरूरी है मित्रों, कि आज जब संसार में दुष्टता, भ्रष्टाचार, झूठ, व्यभिचार अत्यधिक बढ़ चुका है और कार्य क्षेत्र हो या राजनीति या सामाजिक ताना बाना, सब बिखरा सा दिखता है। और शायद ही कोई पल होगा जहां हमको या आपको परिस्थितियों से समझौता ना करना पड़ता हो, तो कैसे हम अपने भीतर परमेश्वर के द्वारा दिए गए स्वरूप को सुरक्षित रखें। रोमियो अध्याय 5:3-5 पद में बाइबल हमको बताती है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो क्या आज आप परमेश्वर द्वारा दिए गए प्रेम एवं शांति को जो उसने हमारे भीतर रखा है बाहरी दुष्प्रभाव से बचाकर दूसरों तक पहुंचने देंगे?